स्वाफ हो कियामा, फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी जात पर पचास मरतबा दरुद पाक पढ़ेगा मेरे आका फरमाते हैं क़ियामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफहा फरमाऊँगा मुसाफ़ा मुसाफा सलाम लेने को कहते हैं ये बहुत बड़ी स है और मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ा सस्ता सौदा है पचास मरतबा दरूद पाक पढ़ने के मुजसर आएगा ये पचास मरतबा वाला वजीफ़ा इसको आप लाजिम कर लें और अगर पढ़ते पढ़ते लुत्फ आ जाए तो बेशक पचास हज़ार मरतबा पढ़ लीजिए अल्लाह हम सब को अमल की तोफ़ीक अता फ़रमाए दोस्तान गिर कदर अल्लाह रबुल अल्हुलज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसलम को बेशुमार मोज़ज़ात कमालात और शान अतः फरमाई आप ही के शहर की एक नामवर शख्सियत जो जितने भी मुनफिन हैं इस सदी के उनमें सबसे ज्यादा मेरी पसंदीदा जो शख्सियात हैं टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें उनका नाम आता है हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमत आप फरमाते हैं कि मैंने जितना जिंदगी में मुताला किया है मेरी निगाहों से तकरीबन छ हजार के करीब नबी पाक के मो गुजरे हैं आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है वो कहते हैं कि जितना मैंने मुताला किया है मेरी नजरों से तकरीबन छ हजार आका करीम के मोजात कमाल शानी हैं लेकिन ये फरमाती हैं फरमाते हैं कि ये फकीर की निगाहों से गुजरा है अगर महबूब को देखा जाए तो इतनी शान हैं कोई गिन भी नहीं सकता है सयदी आला हजरत ने फरमाया ना तेरे तो वसफ ए से हैं बरी हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या, क्या कहूँ तुझे तो इसका मैं आसान तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज कर दू आला हजरत फरमाते हैं इस शेर में कि यार अल्लाह ने इतनी शान दी है कि कोई उनको शुमार ही नहीं कर सकता क्योंकि इश्क की दुनिया में अगर किसी महबूब के कमालात शुमार हो जाए तो फरमाया कि यह भी एक ऐब होता है कि कमाल बहुत है पर शुमार में तो आ गए गिनती में तो आ गए काउंटिंग में तो आ गए फरमाया जो अल्लाह के हबीब हैं उनकी इतनी शाने हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता सयदी आला हजरत फरमाते हैं तेरे तो बस तना ही से हैं बरी हैरा हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे आपको अल्लाह ने इतने कमालात और मोजा और शान अता फरमाई। उनमें से एक मोजे का नाम मोजा मेहराज है समझ आ रही है मेरी बात की अच्छा ये वाक मेरा आज ऐसा है मैं आपको बिल्कुल खुली बात आप मुझे सुनते रहते हैं चुना के यूं के युना के वाली मैं बात ही नहीं करता सुन्नी बंदे के अलावा कोई इस बात को बयान सही तरीके से नहीं कर सकता और ना ही वो करेंगे आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है सुन्नी बंदे के अलावा ना कोई बयान करेगा ना वो करना चाहते हैं आप कहेंगे मौलाना वो क्यों इसलिए कि जब कोई वाक्य महराज बयान करेगा तो उसे बताना पड़ेगा कि नूरो बशर का मसला यहां हल हो जाता है समझ आ रही ना इसी वाक्य महराज में उसे बताना पड़ेगा कि हयात नबी वाला मसला हल हो जाता है आवाज बहुत कमजोर वाली फरान सी चौकड़ी मार के बह उतर चौकड़ी मार के बह चौकड़ी मार गए तसली देना बहुत जरा ठीक है उसे बताना पड़ेगा इसी वाक महराज के तहत आका करीम सलाम का अख्तियार क्या है उसे बताना पड़ेगा कि नबी उम्मत की मदद करते हैं या नहीं करते वो तो जो नहीं फरमा रहे उसे बताना पड़ेगा कि कायनात में मेरे नबी की शान जैसा कोई नहीं कि जहां जिब्राइल की ब्रेक लग गई आगे तो हुजूर ही गए थे ना अब ये कौन बयान करेगा तो जो पहले ही बेचारे बड़े परहेजी से मुसलमान हैं और तोल तोल के अपनी बात को बयान करते हैं वो हुजूर की शान थोड़े बयान करेंगे यहां तो बयान वो करेगा ना जिसका इमाम कहे सबसे औला सबसे बाला हो आला सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा तो जिनके इमाम ने पहले दिलो दिमाग खोले होंगे वो बेचारे बयान करेंगे दूसरे तो बेचारे अभी इस बात से बाहर नहीं निकले कि आका करीम सलाम को जो मेराज हुआ वो जागते था या खाब में वो बेचारे अभी कहते हैं ख्वाब में मैंने कहा बेटा तू भी ख्वाब में है उठ जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले आपका आपका ज्यादा हक बनता है ठीक है तो मैंने कहा तू भी उठ और पंजाबी में अगर मुझे कहने दे तो मैं क्या मुंह ते को छिट्टे छिट्टे मार को टक्की मार नहीं भाई नहीं दो चार बंदे चौप बैठे हैं तुम्हारी को मजबूरी है तो मुझे बताओ अगर आप पश्तो सुनना चाहते हैं तो मैं वो सुना देता हूं और अगर ये जुमले समझ आ रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए तो मैंने कहा तू भी ताकि तुझे भी पता चले कि महबूब करीम का ये मामला अगर खाब में होता तो कमाल ना बनता कमाल है ही इसलिए कि जागते हुआ है अब बात समझ आई आप सभी को? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका कि सुन्नी बंदे के अलावा कोई बंदा वाकई मेरा बयान नहीं करेगा और अगर करे बागी तो कुरान की आयत का तर्जमा करेगा और फौरन से आगे गुजर जाएगा उसके असरार और असरारमूज नहीं बयान करेगा वो कैसे बयान करे फंक्शन ही नहीं है फंक्शन इश्को मुहब्बत होगा तो कुछ बयान करेगा ना गिरामी कदर हजरा महबूबे पाक सल्ला आपके मेहराज शरीफ के सफर के तीन हिस्से हैं कितने हिस्से हैं अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ मोबाइलों वाली सरकारें बैठी हुई हैं जरा मेहरबानी शफकत फरमाइए थोड़ा सा मेहरबानी मेरे हाल पर तो इसलिए भूल जाता हूं सबक मेरे हाल पर मेहरबानी करनी है तीन सफर के हिस्से हैं पहला जमीनी सफर वो मस्जिद से लेकर मस्जिद अक्सा तक तो जो है ग्रामी कदर हजरात दूसरा मस्जिद अक्सा और तीसरा वहां से लेके लामकानों तक कहां तक वहां कहां वहां यहां अहा हो ही नहीं सकता जब है ही लामक ला का ला उस जगह को कहते हैं जहां बंदा यह ना कह सके ऊपर नीचे दाएं बाएं अब कब जब जहां ये कुछ ना हो वो लामक होते वो क्या था वो खुदा जाने या जाने वाले मुस्तफा जाने समझ आ रही है ग्रामी कदर हजरा ये तीन रूट हैं आपके सफर के समझ आ रही है और ये जो पहला और दूसरा हिस्सा है पहला हिस्सा तो